नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अभी वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें आज मुद्दा है डीयू में मारामारी, एमपीसीजी में सीटें खाली। एडमिशन को लेकर छात्रों की भागदौड़ शुरू हो चुकी है और डीयू में आखिर क्यों छात्रों की दिलचस्पी है, इसी पर हम अगले आधे घंटे तक बात करेंगे। एमपीसीजी के कॉलेजों में छात्रों की जो बेरुखी है वो क्यों देखने को मिलती है, इसी पर बातचीत करेंगे। खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। तो इस वक्त मौसम कॉलेज में दाखिले का है, ये वक्त युवाओं की दौड़ लगाने का होता है। सब्जेक्ट चुनने से लेकर कॉलेज और शहरों को चुनने तक की जद्दोजहद छात्रों के सामने होती है, पसंद नापसंद, लेकिन मेरिट सबसे अहम। किसी को पसंद का सब्जेक्ट, किसी को कॉलेज तो किसी को शहर, किसी के सामने समझौते की मजबूरी भी होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों में एडमिशन के लिए हमेशा की तरह मारामारी मची है, एक अनार सौ बीमार वाली हालत है, लेकिन मध्य प्रदेश में हालात अलग है। यूजी और पीजी की आधी से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं, ऐसा क्यों है, क्या मामला शिक्षा की क्वालिटी का है या फिर कई और चीजें काम कर रही हैं, मामला लाखों युवाओं के सपनों का है। लिहाजा आज हम कॉलेज में दाखिले से जुड़े तमाम सवालों का जवाब भी तलाशेंगे। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है, आप एक्सपर्ट से कोई सवाल जानना चाहते हैं, सवाल का जवाब, तो आप हमें कॉल करें। 8178999182 हमारा फोन नंबर है। शिवपुरी के कुछ छात्रों से हमने बात की कि ब्रांडिंग अच्छी है या फिर कॉलेज किसको तवज्जो देते हैं। छात्रों ने ये कहा कि कॉलेज अच्छा होगा तो जॉब भी अच्छी मिलेगी, इसीलिए एडमिशन लेने से पहले छात्र इस बात का भी ख्याल रखते हैं। देखिए शिवपुरी से एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बच्चे दिल्ली दौड़ लगाते हैं और मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों को छोड़कर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगह पर अपना अप्रोच करते हैं। शायद साग के पीछे भागते हैं या सब्जेक्ट का चुनाव करने में उन्हें दिल्ली ज्यादा सूटेबल लगता है। इसी बात को लेकर आज हम ग्राउंड पर हैं और कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। अगर हम बच्चों से बात करें तो आप बता दीजिए कि एजुकेशन को लेकर के मध्य प्रदेश में क्या जो संसाधन है वो उनकी कमी है, सब्जेक्ट को लेकर के कोई तकलीफ है या फिर और कोई समस्या है जब हम दूसरे स्टेट में या दिल्ली जैसी विश्वविद्यालय में भागते हैं? देखिए बहुत सीधी सी बात है कि बच्चों को हायर एजुकेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, इसके लिए वो चाहते हैं कि जितने अच्छे रिसोर्सेज उन्हें मिल पाएं वो उस तरफ जाते हैं, क्योंकि दिल्ली का और बाकी स्टेट्स का कॉलेजेस का नाम भी है, हम लोग बचपन से सुनते हैं। शिवपुरी जैसी छोटी जगह है, स्टिल यहाँ रहते हुए हम लोग सुनते हैं और वहाँ पर हम लोगों को पता भी है कि कैंपस रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छे होते हैं और फर्दर स्टडीज़ के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डीयू जाते हैं तो डीयू में बच्चा अगर एक बार पढ़ाई कर ले तो पहली बात तो वो दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, उसके बाद वहाँ कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा है तो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ाई कर भी लेते हैं, स्टिल हमें इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है। हमें फर्दर हमारे करियर को लेकर क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं ये हमें अवेलेबल यहाँ पर नहीं हो पाती हैं। इसके अलावा अगर आप दिल्ली जाते हो तो आप विदेश भी जा सकते हैं, चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर भी जाते हैं तो वहाँ पर आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका रेज्यूमे देखते हैं, आपका सीवी देखते हैं, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका रेज्यूमे मेंटेन करने के लिए आप एक बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़े हुए होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्यूचर ब्राइट हो, अब ये कहती हैं कि फ्यूचर ब्राइट हो, तो मध्य प्रदेश में फ्यूचर ब्राइट नहीं है क्या? क्या फैकल्टी की भी कमी है मध्य प्रदेश में? जी फैकल्टी की भी कमी है, स्टडी लेवल की भी कमी है, रिलेवेंसी भी नहीं है उन सब्जेक्ट्स की, उन कोर्सेज की। और देखा जाए तो आज की डेट में जो चीज़ें रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को वो भी नहीं है यहाँ पर आपको स्टडीज प्रोवाइड की जाती। और अगर देखें तो मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई ऐसा लेवल, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं की गई कहीं पर भी अच्छी तरीके से, प्लानिंग ही नहीं है उसके कोई कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके आगे कोई स्थिति नहीं है, तो बस वही है इसीलिए लोग भागते हैं। हाँ, तो अब अगर हम आपसे भी पूछें तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश का एजुकेशन स्तर जो है वो डाउन है बाकी राज्यों की तुलना में, तभी हम दिल्ली भागते हैं? बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये चीज़ें बच्चों को ट्वेल्थ से ही समझ में आने लगती हैं धीरे धीरे करके। जैसे दिल्ली के स्कूल वगैरह भी देख लें तो अभी केजरीवाल जी ने, मतलब हम यूट्यूब वगैरह पे देखते रहते हैं कि स्कूलों की भी फैकल्टी कितनी अच्छी है, तो बच्चे उसी से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जब मेरे ट्वेल्थ क्लास का बेस इतना मजबूत है, अच्छा है, तो उसी हिसाब से कॉलेज वगैरह में भी सुविधाएं अच्छी होंगी क्या ना। तो चलिए अपने अपने तर्क छात्रों के हैं, किसी का कहना है कि वहां पर फैकल्टी अच्छी होती है, संसाधन ज़्यादा हैं, ऑप्शन ज़्यादा हैं, कोचिंग सेंटर्स वहां पर ज़्यादा हैं दिल्ली में। इन सब पर बात करने के लिए डॉक्टर ऋषिना नाथू हमारे साथ हैं, प्रिंसिपल हैं कस्तूरबा ग्राम इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर संगीता भरूका हमारे साथ जुड़ेंगी,
प्रिंसिपल हैं के कॉलेज से। डॉक्टर राजीव हमारे साथ हैं, कुमार झलानी अध्यक्ष हैं प्रिंसिपल एसोसिएशन, डॉक्टर संदीप कौर हो रहा है हमारे साथ प्रोफेसर हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल संगीता जी से है। संगीता जी, आप भी सुन रही होंगी छात्रों की बात, जिस तरीके से वो कह रहे हैं, हमारा जो मुद्दा है वो यही कि क्यों छात्र रुक करते हैं दिल्ली और इसके अलावा और बड़े शहरों का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का और बड़ी बड़ी, जबकि अपने प्रदेश में अच्छे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं। आपको क्या लगता है बड़ी वजह इसकी क्या मानी जाए? अपने कॉलेजेस में, जो अपने प्रदेश में कॉलेज है, वहां पर सीटें खाली पड़ी हैं। ड्यू में जितनी सीट्स हैं उसे डबल ट्रिपल की संख्या में छात्र अप्लाई कर रहे हैं। बड़ी वजह किसको मानते हैं आप? बड़ी वजह यह मैं मानती हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक्चुअली केवल दिल्ली का ही विद्यार्थी नहीं आता है, पूरे भारत भर के विद्यार्थी जाते हैं वहाँ पे। और एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी है या सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको दिल्ली में एक बेहतर माहौल मिलेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मध्य प्रदेश में भी इनकी तैयारी बहुत बेहतर हो सकती है, लेकिन जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है उसके कारण से मुझे लगता है कि बच्चे दिल्ली की ओर अधिक आकर्षित होते हैं। जी, तो आपके हिसाब से नैरेटिव सेट कर दिया गया है। मैंने भी डीयू से पढ़ाई की है संदीप जी। जब मेरे वक्त में मैंने ये देखा था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जो बाहर के होते थे, जैसा कि आपने भी कहा कि अभी संगीता जी कह रही थी कि दिल्ली के तो होते ही हैं, बाहर के भी स्टूडेंट्स होते हैं, दिल्ली को लेकर जहन में ये जहन बात होती है कि नहीं, जो भी सब कुछ है वो आपको दिल्ली में जाकर मिलेगा। जैसा कि एक छात्र भी जिक्र कर रहे थे कि अगर आपको बाहर फॉरन जाना है पढ़ाई के लिए तो अगर आप डीयू से पढ़े हैं तो तवज्जो आपको ज़्यादा मिलेगी। क्या आप भी मानती हैं ऐसा? एक्चुअली एमपी में स्टूडेंट सिर्फ एजुकेशन या सिर्फ यूजी और पीजी डिग्री नहीं, पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट चाहता है। घर से बच्चा थोड़ा सा बाहर जाता है तो उसको लगता है कि मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। 12th तक तो हम बच्चों को बच्चों जैसा ही ट्रीट करते थे। बाहर बच्चा निकलता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए, और बाहर उसको लगता है मुझे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर मिलेगी, मुझे हो सकता है मैं पढ़ाई के साथ साथ दूसरे कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर पाऊंगा। इसलिए भी जो क्रीम बच्चा है मैं बोलूंगी, या जो थोड़े से अबव एवरेज स्टूडेंट्स हैं, वो थोड़ा सा बाहर निकलना चाहते हैं अपने होम टाउन से। ठीक है डॉक्टर ऋषिना, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आपको जितने इंस्टीट्यूट, जितने कोचिंग सेंटर्स के ऑप्शंस आपको राजधानी दिल्ली में मिलेंगे उतने शायद प्रदेश में ना मिले, जो एक बड़ी वजह हो सकती है। ये भी बात है कि अगर आप बाहर निकलते हैं अपने एक दायरे से तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है बिल्कुल। तो इन सब के लिए आपको नहीं लगता है कि यही सारी सुविधाएं, यही सारे संसाधन अगर अपने जो आसपास कॉलेज है वहीं पर इन पर काम किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? ज्योति जी, मुझे लगता है कि दरअसल एक ब्रांड सेटिंग हुई है कई वर्षों से, और उस ब्रांड सेटिंग के कारण बच्चा जो है वो उठकर बाहर जा रहा है, दिल्ली तक जा रहा है। जी, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमारे विश्वविद्यालयों से बच्चे जो है वो अच्छी पोजीशंस पर नहीं पहुंचे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर सुविधाएं नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास मध्य प्रदेश में काफी एक बहुत बड़ा बेल्ट है जो जिसमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन है वो पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, और एक आदिवासी बेल्ट है जिसमें से बच्चे हमारे निकल कर आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और यहाँ पढ़कर आगे बढ़ते हैं। जी। लेकिन चूंकि एक ट्रेंड सेट है कि अगर हम दिल्ली जाएंगे तो वहां पर हमको अच्छी कोचिंग मिलेगी, अगर हम वहां जाएंगे तो हमको वहां से, अगर हमने इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की तो हमको बहुत जल्दी प्लेसमेंट मिलेगा। अगर ऐसा होता तो फिर सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटीज के ही प्लेसमेंट्स होते और किसी के प्लेसमेंट्स कभी होते ही नहीं। इट इज ऑल अबाउट कि हमें हमारे बच्चों को कैसे एक सही स्ट्रीमलाइनिंग किया जाना चाहिए, और स्ट्रीमलाइनिंग इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि बच्चों के अंदर ये विश्वास रहे। वो कहते हैं ना हम कि हमें घर का जो कोचिंग है या घर की जो बात है वो बहुत नॉर्मल लगती है, ऐसा लगता है यहाँ पता नहीं क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी अच्छी कोचिंग सर्विसेज, यहाँ बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जिसके अंतर्गत सबसे पहला प्रदेश है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इतने बृहद स्तर के ऊपर आगे बढ़ाया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एक आर्ट्स वाला बच्चा साइंस का, न्यूट्रिशन का कोर्स भी पढ़ रहा है, और कॉमर्स वाला बच्चा जो है वो साइंस के बारे में पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सुविधाएं उतनी नहीं, दरअसल इट इज ऑल अबाउट ब्रांडिंग।
एंड कई सालों से इस बात को बताया गया है कि सबसे अच्छा कोचिंग जो है वो आपका दिल्ली में होता है. इट इज अगेन लाइक कि हमें आईआईटी करना है तो कोटा जाना है और कोटा से ही हमें आईआईटी का सिलेक्शन होने वाला है. सो व्हाट आई थिंक इज कि यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशन की बहुत की जरूरत है, लेकिन इट डजंट मीन कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही. दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे आते हैं तो वो ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, उसमें मध्य प्रदेश का भी एक हिस्सा है. क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हमें यहाँ आईएएस के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है, हमें किसी सिविल सर्विसेज में जाना है तो सिविल सर्विसेज के लिए हमें यहाँ ज्यादा अच्छी कोचिंग मिल जाएगी. जी, क्योंकि कई सालों से ये बात बिल्कुल कंसेप्ट जो है वो माइंड में बिल्कुल ब्रांडिंग. लेकिन देखिए डॉक्टर रेशमा, ब्रांडिंग तो काम कर रही है ना, ब्रांड को देखकर जो छात्र हैं वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं. ब्रांडिंग तो काम करे यहाँ पर. डॉक्टर राजीव, मेरा सवाल आपसे है, जिस तरीके से डॉक्टर रिशिना ने बहुत तरीके से समझाया कि ऐसा नहीं है कि जो एमपी में छत्तीसगढ़ में कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी है, लेकिन तो क्या आप मानते हैं कि छात्रों को एक तरीके से काउंसलिंग की भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि माइंड में वो सेट है दिल्ली का नाम, इसके अलावा और बड़े शहरों का, कि अगर आप यहाँ जाकर पढ़ते हैं तो आगे ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो काउंसलिंग की जरूरत है तब चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती है, क्योंकि सीटें खाली पड़ी हैं. यूजी और पीजी के जो कोर्सेज हैं वहां पर आधी भी सीटें नहीं भरी हैं. जो ज्योति, आपने काउंसलिंग पर जोर दिया, काउंसलिंग तो हर कॉलेज के द्वारा की जाती है. ज्योति, एम आई ऑडिबल? आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है राजीव जी, अपनी बात पूरी करें आप. हाँ, तो काउंसलिंग पर आपने जोर दिया, पर काउंसलिंग तो हर कॉलेज के द्वारा की जाती है, और सरकार की जो नीतियां हैं जो वास्तविकता से अछूती है. बड़े ऑफिस में बैठ कर नियम बना लेना अलग बात है, ग्राउंड रियलिटी पे जाना अलग बात है. विद्यार्थी पढ़ने को तैयार है, कॉलेजेस पढ़ाने को तैयार है, उसके बाद भी एडमिशन का न होना ये सरकार की लचर नीतियों का परिणाम है. एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि सरकार की जो एडमिशन की प्रोसीजर इतनी लंबी है, ऐसा लगता है कि हर विद्यार्थी को अब MBBS IAS की तैयारी करा रहे हैं, उसमें एडमिशन दे रहे हैं. जी, काउंसलिंग के लिए लगातार कॉलेजेस अपने द्वार खोले हुए हैं, लगातार बच्चे विजिट कर रहे हैं, पर प्रक्रिया ऐसी है कि अगर 90% वाला व्यक्ति भी, बच्चा भी अगर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो ये नहीं कह सकता है कि आज अगर वो फॉर्म सबमिट कर रहा है ऑनलाइन जाकर तो उसका एडमिशन हो जाएगा. जी. वो बहुत सारे क्राइटेरिया, बहुत सारे कैटेगरी के आधार पर एडमिशन होता है, और बच्चा कई बार अच्छे परसेंटेज आने के बाद भी कैटेगरी में न होने के कारण एडमिशन से वंचित रह जाता है. ये एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है. काउंसलिंग या बड़े शहरों की के प्रति आकर्षण तो उसी प्रकार से, इंदौर भी एक बड़ा शहर है, यहाँ पे एजुकेशन हब कहलाता है. मैं इंदौर से चूंकि बिलोंग करता हूँ, प्रिंसिपल असिस्टेंट का अध्यक्ष, तो मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि इंदौर में सुविधाओं की कमी नहीं है, अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छे कॉलेज पढ़ाने को तैयार है, पर फिर भी बच्चों को एडमिशन न मिल पाना ये नीतियों की लचर व्यवस्था के दुष्परिणाम है. कि हर बार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम लगातार पिछले 5 सालों से 4 सालों से उसकी खामियां बता रहे हैं, पर वास्तविक स्थिति जो उनको ऑपरेट करने वाले लोग हैं उन्हें भी नहीं मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है. जी, डॉक्टर संगीता, जिस तरीके से डॉक्टर राजीव जिक्र कर रहे हैं, क्या अब आपको प्रशासनिक तौर पर अगर हम उन कमियों की बात करें, उस लचर व्यवस्था की बात करें, आपको कहाँ कमी नजर आती है? दरअसल मध्य प्रदेश में सबसे पहले नई शिक्षा नीति लागू की गई थी, जो राष्ट्रीय नवीन शिक्षा नीति है, और हम सब जानते हैं कि जब कोई भी सांचे ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया जाता है तो कुछ परेशानियां अवश्य आती है, और मध्य प्रदेश एक ऐसे ही दौर से गुजर रहा है कि 3 वर्ष पूर्व जब यहाँ पर नवीन शिक्षा प्रणाली लागू हुई थी तो लोगों को समझने में आ रहा था, जब संचालित करने में जो परेशानियां आ रही है, वह प्राचार्य हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे पेरेंट्स हो, सब स्टेक होल्डर्स धीरे धीरे अपनी बातें शासन तक पहुंचा भी रहे हैं और कंटिन्यू उसमें संशोधन भी होता जा रहा है. और चूंकि अब ये 4th वर्ष प्रारंभ हो जाएगा इस साल से नवीन शिक्षा राष्ट्रीय नीति का, तो निश्चित तौर पर इस साल के पश्चात काफी कुछ स्थितियां जो है वो स्पष्ट होगी. और चूंकि विद्यार्थी है वो नवीन शिक्षा नीति को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ शायद काउंसलिंग में बेहतर नहीं हो पा रहा है, तो मुझे लगता है कि जो स्कूली लेवल पर
जो कॉलेज लेवल पर तो काउंसलिंग करते ही है, प्रत्येक महाविद्यालय अपनी काउंसलिंग करता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो काउंसलिंग की व्यवस्था है ये विद्यार्थियों को विशेष करके 9वीं 10वीं में ही, 11वीं 12वीं में भी वह विषय चुन चयन कर चुका होता है तो अपने लिए एक वो दिशा तय कर लेता है, तो यह उसे भी नहीं पता होता है कि दिशा सही दिशा में उसे ले जा रही है या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में सर्वाधिक हमें करियर मार्गदर्शन की, विषय चयन की, महाविद्यालय चयन की, इन सब के चयन के मार्गदर्शन के लिए इस तरह की काउंसलिंग की बहुत अधिक आवश्यकता है। और जो चुनौतियां आ रही है उन चुनौतियों को हम किस तरह से निपटें उसके लिए हमें अपने स्तर पर अलग अलग सुझाव देने की भी जरूरत है। तो आप मान रहे हैं कि 9-10 से ही काउंसलिंग शुरू हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। डॉक्टर संदीप, अगला सवाल मेरा आपसे है, हम DU की और बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कॉलेजों की, कि कितना बड़ा अंतर यहाँ पर है छात्रों का एडमिशन लेने का, सीट्स कहीं खाली हैं वहां पर छात्र जा नहीं रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए DU की भी जो रहा है वो उतनी आसान नहीं है, यहाँ पर जो परसेंटेज लेवल जाता है, जो लिस्ट निकलती है, तो उसमें 99% 98% तक जो कट ऑफ होता है वो जाता है। ऐसे में ये भी देखने में आता है डॉक्टर संदीप कि कई बार छात्र जो उनका चॉइस का विषय होता है उसको ड्रॉप करके वो उस कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, किसी भी तरीके से उस कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाए, चाहे फिर वो किसी भी कोर्स में हो, संस्कृत ऑनर्स तक ले लेते हैं, हिंदी ऑनर्स, ये वो सब्जेक्ट हैं, जब आपको किसी और मेन कोर्स में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आप इन कोर्सेज की तरफ रुख कर लेते हैं। मैं संगीता मैम की बात से बहुत सहमत हूँ कि पहले तो बच्चों को पूरी अवेयरनेस, बच्चों को क्या पेरेंट्स को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। अभी जो NEP है वो बहुत अच्छा है, जो उन्होंने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, जनरल इलेक्टिव्स, ये सब शुरू किए कि बच्चा सिर्फ बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं ले, प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसको मिले। पर इसकी हमको पहले अवेयरनेस बच्चों में और पेरेंट्स में होनी चाहिए। तो ये 9-10 लेवल से उनको कम से कम ये जो NEP में जो चेंजेस हैं एजुकेशन सिस्टम में उसके बारे में जानकारी देना। उसके अलावा MP में बहुत सारा बच्चा आदिवासी इलाकों से आता है, जो अबव एवरेज बच्चा है वो फिर भी जागरूक है। जो आदिवासी इलाकों से या गांव से बच्चे आते हैं वो कई बार तो सिर्फ 12th तक पढ़ाई करके पढ़ाई छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हम क्या करें, उनको उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता। तो वहां पे जाके भी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है, अवेयरनेस स्प्रेड करने की जरूरत है मुझे लगता है। डॉक्टर ऋषिना, ऐसे स्टूडेंट्स को आपकी तरफ से अगर मैं बोलूँ कि आप अपनी तरफ से क्या सलाह देंगी, कई बार की जो छात्र DU की कई बार जो चमकदमक होती है उसकी तरफ जिस तरीके से आकर्षित होते हैं, अपने वो अपने करियर से भी कई बार समझौता कर लेते हैं, जिस फील्ड में उन्हें जाना होता है वो उसको ना छोड़ के सिर्फ उन्हें DU में एडमिशन चाहिए, फिर वो चाहे किसी भी कॉलेज में हो, ऐसे छात्र को आप क्या सलाह देंगे? क्योंकि बाद में अपनी गलती का रियलाइज उन्हें होता है जब सेशन एंड हो जाता है, या जो उनके साथ के जो उनके दोस्त होते हैं वो अच्छी लाइन में आगे निकल जाते हैं, तब उन्हें अपनी इस गलती पर पछतावा होता है, तो ऐसे छात्रों को क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरा सबसे पहले कहना है कि हमें ज्ञान जहां से मिल रहा है, अगर DU से नहीं मिल रहा है और कोई दूसरा अच्छा कॉलेज भी है, हमें उसकी रैंक देखनी चाहिए, हमें उसकी NAC का एक्रेडिटेशन भी देखना चाहिए, और हमें उस बच्चे को, जो बच्चा है वो इस तरीके से अगर देखेगा तो हो सकता है वो दूसरे कॉलेज की तरफ भी, जो वो पढ़ना चाहता है उसे वो पढ़ना चाहिए, और मध्य प्रदेश ये मौका दे रहा है। देखिए 1987 के अंदर जब 12th पहली बार MP बोर्ड के अलावा CBSE के अलावा MP बोर्ड में भी शुरू हुआ था, तो 1 ईयर वॉज 0 ईयर कोर्स। उसके कारण ये हुआ था कि कई लोगों का बीच में 0 ईयर था, क्योंकि BSc या BA में एडमिशन लेने के बजाय उन्होंने 12th पहले किया था, तो उस वक्त भी यही केओस था कि 12th अचानक से MP गवर्नमेंट ने इसके ऊपर लागू किया। लेकिन वैसे ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें अगर हम बच्चे के साथ 1:1 बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं, क्योंकि एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि कॉलेजेस और स्टूडेंट्स, कॉलेजेस और टीचर्स की बात के अलावा हमारे पास जो बच्चा आता है वो बहुत ज्यादा रॉ होता है जी। रूरल एरिया से जो बच्चा आता है, मैं आपको सच में बताना चाहूंगी कि ऐसे हालात है कि जिन्होंने शहर तक नहीं देखे हुए, तो अगर उन्होंने इंदौर शहर भी पूरा नहीं देखा हुआ है, उन्होंने भोपाल नहीं देखा हुआ, उन्होंने जबलपुर नहीं देखा हुआ है, लेकिन बस उनको ये मालूम है कि अगर हम DU में जाएंगे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी, हम टोटली सेट हो जाएंगे,
तो मुझे लगता है ये मिथ है और इस मिथ को तोड़ा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि डीयू में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे यूनिवर्सिटीज में भी उतने ही अच्छे से टीचर्स पढ़ाते हैं। आज यहाँ जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं कम से कम 15 साल का, मैं मुझे तो पता है 30-30 साल के एक्सपीरियंस को लेकर बैठे हैं, और मुझे वही मालूम है कि उन बच्चों को सही राह दिखाने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए हमें उनके साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है और उनको बताना जरूरी है कि यूनिवर्सिटी से कुछ नहीं होता, आपके खुद के टैलेंट से, आपकी मेहनत से और आपकी लगन से ही आप अपनी जिंदगी की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर ऋषिना, आज इस मुद्दे को उठाने का मकसद भी यही है कि छात्रों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, छात्रों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि केवल डीयू में एडमिशन लेना इतनी ज्यादा बड़ी बात नहीं है, जब आपके आसपास उतने ही अच्छे ऑप्शंस मौजूद हैं तो वहां का रुख भी आप कर सकते हैं। हम खंडवा से कुछ स्टूडेंट्स की बात सुनाते हैं जिन्होंने एनडीवी टीवी की टीम से बातचीत की, और उनसे जब यही सवाल पूछे गए तो क्या जवाब उनके थे, आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में यूजी और पीजी कॉलेजों में एडमिशन की संख्या कम होती जा रही है, बच्चे जो है ज्यादातर दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ाई सही से नहीं हो पा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या क्या कारण है? हम आज इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो दिल्ली की तरफ बच्चों को खींच रही है और मध्य प्रदेश के जो कॉलेज है उनमें एडमिशन नहीं हो पा रहे, ये बताइए बड़े कम एडमिशन हो रहे हैं, क्या कारण? एडमिशन का अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो जो कॉलेजों में हमारे वहाँ अनियमितता हो रही है और घोटाले हो रहे हैं और मतलब प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं आती है, फैसिलिटीज सही नहीं है, तो बच्चों का रुख कहीं ना कहीं दिल्ली कॉलेज में जाता है, बड़ा कॉलेज है पूरा, वहाँ पे बच्चों के लिए फैसिलिटीज अच्छी है, फैकल्टीज अच्छी है, कोर्सेस अच्छे हैं, वहाँ पे आगे करियर के ऑप्शन अनलॉक होते हैं, इसलिए बच्चों का कहीं ना कहीं रुख दिल्ली कॉलेज तरफ या बाहर के दीगर कॉलेज जो और है उधर जाता हूँ। क्या लगता है आपको कि नाम देखते हैं बच्चे या पढ़ाई देखते हैं, क्या देखते हैं इसके कारण? मुझे ऐसा लगता है कि आजकल बच्चे दोनों ही देखते हैं, नाम और पढ़ाई दोनों देखी जाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे लोग यूजी भी अगर यहाँ से कर लेते तो पीजी वो लोग बाहर से प्रिफर करना चाहते हैं क्योंकि वो देख लेते हैं यहाँ पे कि फैसिलिटीज क्या है। बिल्कुल, क्या लगता है यहाँ पे आप फैसिलिटीज की जब बात होती है तो क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं या पढ़ाई का स्ट्रक्चर? सर पढ़ाई भी देखते हैं लेकिन साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, उस हिसाब से भी बच्चे एडमिशन लेना पसंद करते हैं, और बाद में जैसे जॉब वगैरह के लिए तो उस हिसाब से कंपनीज कैसी आ रही है और आगे जाके कैसा प्लेसमेंट मिलेगा वो सब देखने के एडमिशन लेते हैं। पहले मेरा भी था कि मैं डीयू में एडमिशन लूं क्योंकि वहाँ पर लो फीस और हाई पैकेजों की डिमांड होती है, वहाँ पर मतलब फीस मतलब कम फीस में भी ज्यादा पैकेज मिलते हैं ऑलमोस्ट, और एमपी में ऐसा है कि अगर आप हाई फीस भी दोगे तो पैकेज आपको मिनिमम 6-10 लाख का मिलेगा, और अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से करते हो तो आपको हायर मतलब कम से कम 12 लाख से पैकेजेस स्टार्ट होते हैं। हम और भी छात्रों से यहाँ जानने की कोशिश करें, मुझे बताइए पैकेज नहीं मिलता है या जो और जो दूसरी सुविधाएं वो नहीं मिल पाती क्या यहाँ पे? सर एक्चुअली ऐसा है कि अगर एमपी में सबसे बड़ी डीएवीवी यूनिवर्सिटी है और डीएवीवी का ही पेपर में बहुत सुनने में आता है कि लाइक जो बच्चे जिनने यूजी यहाँ से करा है और टॉप कॉलेज से यूजी मतलब टॉप ग्रेड से यूजी करा है, वो पीजी भी अगर डीयू से करते हैं तो लाइक उनको फेल कर रहे हैं या उनके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, तो सर इसके कारण अगर डीएवी भी फर्स्ट यूनिवर्सिटी एमपी की टॉप यूनिवर्सिटी क्योंकि सीयूईटी से इसी में एडमिशन लेते हैं सब अधिकतर, तो अगर यहीं पर अगर सर घोटाला होगा या यहीं पर अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो फिर अधिकतर है कि भाई बाहर ही जाना प्रेफर करेंगे रदर देन एमपी में रहने के। परीक्षा परिणामों की भी बात करें तो क्या समय पर परीक्षा परिणाम नहीं आ पाते इसके कारण भी कुछ होता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसके कारण होता है। अभी हाल ही की बात ले ले तो हमारा जो परीक्षा परिणाम थे न्यूज़ में भी आया था, पेपर में आया था कि 2100 बच्चों को विथेल्ड आया एग्जाम में, कुछ टेक्निकल इशू के कारण आया या फिर कॉपी का कुछ इशू हुआ है वो मेरे को नहीं पता, मुझे खुद को मेरे पेपर में विथेल्ड आया था, पहले परसेंट कम थे और एक सब्जेक्ट में विथेल्ड था, तो बच्चे उससे परेशान थे कि हम पास क्यों नहीं, विथेल्ड क्यों, हमारे पेपर अच्छे गए, तो वो भी एक टेंशन रहता है। फिर हमारा रिजल्ट बाकी बच्चों के मुकाबले थोड़ा सा लेट आया और उसके बाद वो टेक्निकल इशू सही हुआ है। खंडवा से अपना कैमरा पर्सन विजय त्रिथाने के साथ निशात से दिखी एनडीटीवी। तो किस तरीके से छात्र अपनी बात रख रहे हैं आपने सुना डॉक्टर राजीव, अभी आप सुन भी रहे होंगे छात्र जिस तरीके से बात कर रहे थे, एक छात्रा जो कि पैकेज को लेकर बात कर रही थी कि अगर आप एमपी के किसी कॉलेज से पास आउट हैं तो आपको जो पैकेज है वो अगर आप दिल्ली के कॉलेज से किसी से पास आउट हैं तो उसमें काफ़ी अंतर होगा, और वो दिल्ली को ज़्यादा तवज्जो दे रही थी, कितना आप इससे सहमत हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर?
डॉक्टर राजीव आपने क्योंकि दिल्ली में जी जी दिल्ली में पैकेज और इंदौर के पैकेज या एमपी में पैकेज का स्टाइल अलग सिस्टम अलग है। बेसिकली एक जो दिक्कत फील करी जो थी जी जो एक दिक्कत फील करी एडमिशन की बेसिकली है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो उसके एकेडमिक कैलेंडर का परिपालन करना और उसको बनाया जाना जो बनाया गया वो ठीक से नहीं बनाया गया। अभी भी एग्जाम चल रही है बीकॉम फर्स्ट ईयर की एग्जाम इंदौर विश्वविद्यालय में चल रही है। जब सेशन 1 जुलाई से चालू हो जाता है उसके बाद अभी 24 अगस्त तक एग्जाम ही चल रही है लास्ट ईयर की, तो जो एकेडमिक कैलेंडर नहीं बनाया जाना उसके कारण विद्यार्थियों में जो अविश्वास का माहौल बना है मध्य प्रदेश में मैक्सिमम विश्वविद्यालय के निर्णय कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से किए जाते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी के माध्यम से निर्णय किए जाते हैं तो भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों में एग्जामिनेशन की डेट अलग अलग है। एग्जामिनेशन की डेट अलग अलग होने के कारण ये स्थिति बनती है कि जो विद्यार्थी है उन पे विश्वास उनमें हासिल नहीं हो पाता। दूसरा पैकेज की बात है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पैकेज का स्टाइल अलग है सिस्टम अलग है, वहां रुपए की वैल्यू वहां अलग है एमपीसीजी में अलग है। तो यहाँ भी स्टूडेंट जो पढ़ाई करता है एमपीसीजी में उनको पैकेज तो अच्छा है, कंपनीज अच्छी आती है। बिल्कुल समस्या पैकेज की कैंपस प्लेसमेंट की नहीं है, जितना बड़ी समस्या विद्यार्थियों का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो विश्वास का माहौल बन रहा है तो विश्वास वो खोया हुआ विश्वास ही है जो मुझे लगता है जिसको वापस कैलेंडर छात्रों में किस तरीके से लाया जाए ये एक बड़ा सवाल है डॉक्टर राजीव। और इसीलिए हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं, छात्रों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं आप जैसे एक्सपीरियंस्ड लोगों की तरफ से भी कि किस तरीके से ज़्यादा कुछ उतना जो आप बता रहे हैं डिफरेंस नहीं है, जितना वहाँ पर बेहतर है उतना ही वहाँ पर, सिर्फ देखने का नज़रिया और सोचने का नज़रिया है वो बदला हुआ है। डॉक्टर संगीता आपने हमसे बातचीत की लगातार तमाम सवालों के जवाब दिए बहुत अच्छे से आपने समझाया। डॉक्टर संदीप आपका और डॉक्टर राजीव आपका और रिशिमा जी हमसे जुड़ने के लिए बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, दीजिए इजाजत, नमस्कार।